राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के बदनावर जिले में यात्रा के बाद रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी चुनावी वादों की घोषणा करेंगे। मंगलवार को कांग्रेस सांसद ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे के साथ स्वागत भी किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार को जब मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर से गुजर रही थी तो मोदी मोदी के नारे लगाए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना काफिला रोककर नारे लगा रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने उन्हें आलू दिए और राहुल गांधी ने उन्हें फ्लाइंग किस दी। वही माना जा रहा है कि कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपने चुनावी घोषणा पत्र के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है, जो न्याय के 5 स्तंभों पर केंद्रित रहने वाला है और जिसमें पार्टी रोजगार का अधिकार देने, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने, जाति जनगणना करवाने तथा अग्निपथ योजना को खत्म करने जैसे बड़े वादे कर सकती है। ऐसे में राहुल गांधी की इस रैली में कई ऐसे वादे हो सकते हैं जो युवाओं और बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण हो। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।